नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको निकलने वाली अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिल सके। सब्सक्राइब करने का आपको एक भी रुपये नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क है सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज हम एक नई भर्ती के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जो कार्यालय संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान लीपाथर जबलपुर में निकली है। ऑफलाइन आवेदन है दोस्तों, इसका आपको कोई शुल्क नहीं देना है, एकदम पूरी तरह निशुल्क है सभी कैटेगरीज के लिए, ठीक है। इसमें आपको विभिन्न पद देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। सैलरी आपको 25,000 से लेकर 31,000 रुपए प्रति माह दी जाएगी, ठीक है। वो अलग अलग पोस्ट पर आधारित है, ठीक है। इसमें ये सैलरी स्टार्टिंग 10,000 से लेकर 31,000 तक आपको मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से पद है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, सभी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है gornews24 लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉलो का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आप उसे फॉलो कर लीजिए वेबसाइट पर, ताकि जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिल सके। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर वन विभाग नई भर्ती का नोटिफिकेशन, सारी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं JRF 9 और कंप्यूटर ऑपरेटर के 1 पदों के अस्थायी पद के लिए 24/10/2024 को सुबह 11 बजे से नीचे हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। उपयुक्त उम्मीदवार मूल प्रशस्त पत्र, बायोडाटा और स्व सत्यापित प्रतियों के एक सेट के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब भर्ती का पद है वो JRF 9 और कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद है दोस्तों। प्रारंभिक तिथि, आवेदन प्रारंभिक तिथि, इसका आवेदन कब से प्रारंभ हो चुके हैं तो 4/10/2024 से, आवेदन की अंतिम तिथि 24/10/2024 है। इसमें आपको ना ही कहीं भेजना है अपना जो आवेदन भेजना, डायरेक्ट आपको फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट लेकर आपको पहुंच जाना है डायरेक्ट इंटरव्यू देने। कोई आवेदन नहीं, कोई कुछ नहीं करना, आपको सीधा इंटरव्यू देने जाना है। पदों की संख्या की बात करें तो अलग अलग विभाग में विभिन्न पद हैं, टोटल 10 पद हैं। चिन्हित किए गए पद JFR के हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद है। आयु सीमा की अगर हम बात कर लें तो अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है, जिसमें मिनिमम आयु 18 से 30 वर्ष रखी गई है। ST/SC और OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र में 3 से 5 साल की छूट दी जाएगी सरकारी नियमों के तहत। शिक्षण योग्यता अगर बात करें तो स्नातकोत्तर उपाधि वाणिज्य कृषि जैव प्रौद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान पर्यावरण विज्ञान निम्नलिखित में किसी एक के माध्यम से वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से चयन विद्वान जो राष्ट्रीय पात्रता के माध्यम से चुने जाते हैं। परीक्षा UGC नेट जिसमें लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर और गेट शामिल है, BHRD और इसकी एजेंसी के संस्था में है। आपको हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए एवं उसकी टाइपिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर यह सब है तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। एंड सैलरी की भी बात की जाए तो उम्मीदवारों को सैलरी योग्यता के अनुसार दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन आपका साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन आपका साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा और जो आवेदन फॉर्म है उसे भरकर भेजना नहीं, आपको खुद जाना है, ठीक है, 24 तारीख को। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले हम आवेदन फॉर्म दिखा देते हैं, ठीक है। आवेदन फॉर्म पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। एप्लीकेशन फॉर डिटेल, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना फोटो डाल देना है, ठीक है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम डाल देना है। फील नेम ब्लैक, आपको ब्लैक पेन से लिखना है पूरी। फादर नेम डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, कॉन्टेक्ट डिटेल डाल देना है, परमानेंट एड्रेस आपका डाल देना है। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, पिन नंबर डाल देना है, क्वालिफिकेशन डाल देना है, डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, बर्थ एक्सपीरियंस डाल देना है। सभी डिटेल डालने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली फिल करना है, बायोडाटा फिल करना है, सेल्फ जो आप इसमें डाल रहे हैं उसकी सभी के आपको एक एक फोटो कॉपी लेकर जाना है,
एंड यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको पढ़ लेना है, एंड प्लेस एंड डेट डाल देना है, एंड आप सिग्नेचर कर देना है। ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चलिए हम आपको नोटिफिकेशन एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कार्यालय संचालक राजीव अनुसंधान संस्था पोली पाथर जबलपुर में ये भर्ती निकली है। ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं 24/10/2024 को। इसमें अलग अलग आपको दी गई है, ठीक है, नेम आप पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि नौ ज्वाइंट रिसर्च फॉलो के हैं, एंड एक यहाँ पर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा हम और स्कूल डाउन करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको देखने को मिल जाएंगे ज्वाइंट रिसर्च फॉलोअर्स के तीन है और कंप्यूटर ऑपरेटर का एक। इसमें आपको 25,000 सैलरी मिलेगी, कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको 12,000 रुपए फिक्स सैलरी मिलेगी। उसके बाद हम और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको फिर दूसरा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेगी। ऐसे तीन चार अलग अलग विभाग में इसमें भर्ती निकली है दोस्तों, तो इसमें आप जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देने जाना है, आपको कुछ नहीं करना, सीधे 24/10/2024 को 11 बजे जो एड्रेस दिया गया है इस पर आपको इंटरव्यू के लिए सारे डॉक्यूमेंट भरकर फॉर्म भरकर प्रॉपर आपको फॉर्म भर लेना है। उसके बाद उसका प्रिंट निकाल लेना है, सभी फोटो कॉपी उसमें ऐड कर देना है, आपको लेकर चले जाना है। दोस्तों वीडियो कैसे लगे, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।